दोस्तों डहेलिया के पौधे में अगर अभी तक भी आपके जो प्लांट है उसमें कलियां या फूल नहीं बन रहे हैं तो आप कैसे केयर करेंगे वही बताने वाली हूँ। अगर आपके प्लांट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे, तो आपको क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए या किस तरह की केयर करनी चाहिए वो सभी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डहेलिया जो प्लांट है वो एक हैवी फीडर है क्योंकि इसमें काफी बड़े साइज के फूल आते हैं। आप खुद ही देख लीजिए इतने बड़े साइज के फूल होते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि इसे फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी और ना ही कलियां बनेगी, और अगर कलियां बन भी रही है तो बहुत ही छोटे साइज के फ्लावर आएंगे। ये इसको काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डहेलिया जो है बहुत बड़े साइज के फूल होते हैं इसके। तो आप जब भी प्लांट को छोटे से बड़े दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो डहेलिया के फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, और इसके फ्लावर एक बार प्लांट में खिल जाता है तो कम से कम एक महीने तक टिका हुआ रहता है। तो ये जो है काफी ज्यादा इसको न्यूट्रिशंस तो चाहिए, लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो प्लांट है इसके फूल बड़े होने के कारण, और लेकिन इनके जो प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा कोमल रहते हैं, इसके जो ब्रांचेस है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहती है। तो आपको करना ये है कि प्लांट का जो गमला है उसे आप अच्छे बड़े साइज के गमले में दीजिए। कम से कम 10 इंच 12 इंच का गमला इसके लिए चूज कीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भी प्लांट की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए तो अच्छे से स्टिक लगा दीजिए। मेरे ये प्लांट में भी आप देख सकते हैं यहाँ स्टिक वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े फ्लावर होते हैं तो स्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसको सपोर्ट मिलता रहे, नहीं तो आपके जो ये फूल है ये टूट जाएंगे और ये जो है सपोर्ट नहीं देंगे तो बिल्कुल भी सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि काफी बड़े वजनदार फूल होते हैं काफी बोले ऐसे तो। और एक चीज है कि क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है तो इसमें पानी ज्यादा नहीं देना है आप, मतलब 2 दिन में एक बार वाटरिंग कीजिए। रेगुलर पानी सर्दियों के किसी भी प्लांट में देने की जरूरत होती ही नहीं है, तो कम से कम आप 2 दिन 3 दिन जब आपको लगे कि आपको पानी चाहिए प्लांट को, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्टिक मैंने लगा रखा है और पानी का मैंने आपको बताया कि आप कम से कम 2 दिन बाद बाद दीजिए। स्टिक का ध्यान रखिए, 2 स्टिक 3 स्टिक इस तरह से सपोर्ट जरूर दीजिए, ये चीज ध्यान रखिए। प्लांट को प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे रखना है आपको प्लांट को जहां इसको कम से कम 2-4 घंटे की धूप तो जरूर मिले। टाइम पर इंसेक्टिसाइड जरूर दीजिए, मेरे इस प्लांट पर भी इंसेक्ट लग चुका है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो प्लांट के जो लीव्स है काफी ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ज्यादा इस पर इंसेक्ट का अटैक रहता है ज्यादातर, तो आप जो है 15 दिन के अंदर एक एक बार कोई भी इंसेक्टिसाइड जो भी आप यूज कर रहे हैं, अगर आप नीम ऑयल स्प्रे करते तो 10 दिन में जरूर से स्प्रे कीजिए। अब बात करती हूँ कि इसको न्यूट्रिशंस क्या चाहिए। सॉइल मीडिया तो दोस्तों इसको वेल ड्रेन जरूर दीजिए, थोड़ा सा हैवी न्यूट्रिशंस चाहिए होता है तो अच्छी पॉटिंग मिक्स देना होगा। कम से कम आपको 30 से 40% तक इसको खाद देना है, और नॉर्मल गार्डन सॉइल दीजिए, और जैसा वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया या आप कोकोपीट भी दे सकते हैं ताकि मॉइस्चर वगैरह मेंटेन रहे। वैसे विंटर के प्लांट में आप सैंड में मिक्स कर सकते हैं, इस तरह से आप मिलाइए और नीम की खली थोड़ा मिक्स कर दीजिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसी पॉटिंग मिक्स बनाना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है डहलिया को लेकर, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करती हूँ न्यूट्रिशंस की। जब प्लांट को आपने लगाया है उसके बाद में 15 दिन में एक बार जरूर से आप सरसों की खली जो है 15 दिन में एक बार जरूर दीजिए। सरसों की खली जो है हमारे विंटर के प्लांट के लिए काफी अच्छा वर्क करता है। चैनल पर वो वीडियो भी शेयर है कि सरसों की खली आप किस तरह से बना सकते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। वो आपको हर 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में जरूर देना है। और एक जो फर्टिलाइजर और है DAP, अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे, सरसों की खली देने से जरूर से फूल आने लगता है, लेकिन फिर भी अगर फूल नहीं आ रहे हैं कलियां नहीं बन रही है, तो बस आपको देने हैं ये कुछ एक दाने। ये दाने जो दे रही हूँ ये 10 इंच के गमले में 10 दाने, ये DAP के दाने हैं, बस ये आपको देना है। इसी से ही आपके प्लांट में हैवी फ्लावरिंग होने लगेगी। बस ये 2 फर्टिलाइजर अगर आपने अप्लाई किया अपने डहेलिया के प्लांट में, या विंटर के मैं बोलूँ किसी भी प्लांट में कर सकते हैं फ्लावरिंग वाले,
बट मैं यहाँ पर आपको डहेलिया का बता रही हूँ। मैं ज्यादातर जो है अपने विंटर के प्लांट में यही दो फर्टिलाइजर यूज करती हूँ और इसी से ही बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है। और ये जो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर है जो बहुत अच्छा वर्क करता है। 15 दिन में एक बार ये जरूर अपने प्लांट में दीजिए, इससे आपके प्लांट में जरूर जरूर से कलियां बनेगी। और सिर्फ कलियां ही नहीं बल्कि आपका प्लांट जो है काफी बड़े साइज के फ्लावर भी देगा, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशंस टाइम पर दे रहे हैं और अपने प्लांट की प्रॉपर केयर कर रहे हैं और आपने पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छे से दिया है, गमला सही चूज किया है, तो आपके प्लांट में जरूर से हैवी फ्लावरिंग होगी। और कलियां नहीं भी बन रही है ना तो जरूर से कलियां बनेगी। तो बस यही केयर टिप्स बताना था डहेलिया को लेकर। और सच में बहुत अच्छा विंटर का फ्लावर प्लांट है। अगर आपने अभी तक भी इनको नहीं लगाया है तो नर्सरी से जाकर लाइए और अभी भी आप इसको लगा सकते हैं, मतलब जनवरी में भी, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस समय तक फूल आ जाएंगे, नहीं तो आपके और 10 दिन बाद जरूर फूल आने लगेगा। तो बस ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ।